सुरेश मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत सुरेश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त अंकित उससे मिलने आया। अंकित ने सुरेश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। सुरेश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। अंकित ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बताओ शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अंकित की बात सुनकर सुरेश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। अंकित ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान के दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद सुरेश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर अंकित ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना चाहिए, काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचते हैं, उतना अधिक हम अपनी सफलता से दूर होते जाते हैं। हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।